गिव मी, इतना खिलौना बिखार के रखे हो क्यों? गिव मी सोना, नो लेते हैं बेटा, नो बेटा, डोंट डू डैट। हाँ कम 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 बेटा, नो सोना, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। हाउ डू यू लाफ, हाउ डू यू लाफ, हाउ कैट सेज मिया 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 मिया, हाउ डॉग सेज भू भू भू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। दोस्तों आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ माता पिता बहुत ही वरीड होते हैं बच्चों को लेके, जिनका बच्चा का सिर जो है वो लंबा होता जाता है, लड़का हो या लड़की कोई भी हो, छोटे बच्चे बच्चे होते हैं और उनका सिर जो है वो लंबा होता जाता है, तो उसे वो बहुत टेंशन में आते हैं कि उसका बच्चे का सिर लंबा होता जा रहा है, गोल कैसे होगा। तो मैं इसको लेके क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या क्या इसका सॉल्यूशन होता है और कैसे बच्चा का सिर लंबा हो चुका है तो गोल भी हो जाता है, इसका मैं सारा प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में अपने बेटे का भी स्टोरी में शेयर करूँगी, कैसे इसका माथा लंबा से मैंने गोल किया। तो दोस्तों इसका जो रीजन होता है वो बहुत ही रीजन होता है, जैसे कि वो कुछ बच्चे जो प्रीमैच्योर पैदा होते हैं, पहले पैदा हो जाते हैं, तो उनका माथा भी लंबा हो जाता है। जो बच्चे टाइम पे पैदा होते हैं बट कमज़ोर होते हैं, अंडरवेट होते हैं, उनका भी माथा लंबा हो जाता है। और कुछ बच्चे तो कंटिन्यू, उस समय क्या होता है बच्चे तो कंटिन्यूस होते हैं बेड पे, तो बेड पे सोने की वजह से इस पे प्रेशर आता है तो आगे की तरफ बच्चा का सिर निकलता जाता है तो लंबा हो जाता है उनका सिर। तो ये सब रीजन हैं, और भी बहुत सारे रीजन हैं कि मतलब सिर लंबा हो जाता है, बट इसका मैं सॉल्यूशन लेके आई हूँ आपके पास, जो कि आप कुछ ऐसा प्रोसेस करेंगे कि बच्चा का सिर लंबा होने से बचाया जा सकता है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बट जो रीजन है उसका सॉल्यूशन हो पहले वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये बताऊँगी मैं, जो दादी नानी बुआ काकी और हमारे जो रिलेटिव हैं पूर्वज हैं वो बताते आ रहे हैं कि सरसों का पिल्लो बनाए। छोटे बच्चों का सरसों का जो तकिया होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है उनके लिए, बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है और वो उस वजह से जो सरसों होता है ना वो इधर से उधर जब हिलता है, एक जगह पे नहीं रहता है, तो बच्चे का भी सिर मूव करता है, एक जगह नहीं टिकता, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते बच्चे, तो सरसों जो है बच्चे के सिर के अकॉर्डिंग ही लीड हल जाता है, उसके अनुसार रहता है। और वो सरसों का जो पिल्लो होता है वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी मतलब रख सकते हैं उसको, वो घर पे खुद से बना सकते हैं। जो लोग घर से नहीं बना सकते उसको मैं बनाना सिखा दूँगी, यदि आप चाहेंगे सीखना तो मुझे मैसेज करिए, मैसेज में डालिएगा कि सरसों का पिल्लो कैसे बनता है वो बताने के लिए, तो मैं बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको डेमो बता देती हूँ कि कैसे बन सकता है। कपड़ा ले, सपोज ये कपड़ा है, ऐसा कपड़ा ले और लंबाई से काट ले, इतना बड़ा लंबा, इससे भी थोड़ा सा लंबा हो, इसको फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद ये वाला दोनों एड सी लें, तीन तरफ से सी लेने के बाद इसमें सरसों भर दें और उसके बाद फिर वो वाला लास्ट वाला सिल दीजिए, तो वो सरसों का पिल्लो तैयार हो जाता है। तो ये आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं 6 महीने तक, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सभी ने यही यूज किया है, मेरे घर वालों ने, ससुराल के घर वालों ने, उधर के सारे लोगों ने यही यूज करते हैं और सबके बच्चों के सिर गोल हो जाते हैं इनकी तरफ देखिए। दूसरा, आप बच्चे को ब्रेक दे सकते हैं, वो जैसे कि वो कंटिन्यूस होते हैं बेड पे तो वो थोड़ा मूव भी नहीं कर पाते, तो आप थोड़ा उसको थोड़ा थोड़ा टाइम पे उठा के आप उसको गोद में ले सकते हैं, वैसे बम्प से जिसे टका दिलाते हैं वो टका दिलाने के लिए आप इस पे ले सकते हैं। इससे क्या हो, कंधे पे ले सकते हैं, इससे क्या होगा कि बच्चा का सिर मूव करता है, वो जल्दी मूव करना, बच्चे से हिलाना डुलाना स्टार्ट कर देते हैं।
तो बच्चों को उठना और घूमना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय वो जो बच्चे होते हैं वो कंटिन्यू सोते रहते हैं। 24 घंटे में से कम 20 घंटे 19-20 घंटे तो सोते ही रहते हैं 3 महीने तक, तो महीना 2 महीना सोते हैं, बहुत लंबा सोते हैं, तो ये भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सोते समय जब आप मम्मी जो है जो फीड कराती हैं तो वो उठा के और अपने गोद में लेके फीड कराए, कोई भी फीड हो, जैसे बाहर का ही दूध पिला रहे हैं जो भी, और अपना फीड करा रहे हैं तो उठा के गोद में फीड कराएं और कंधे पे थोड़ा घुमाएं फिराएं, तो भी फ़र्क पड़ता है इससे, और काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे जो कारगर है वो सरसों का तेल का जो तकिया होता है वो कारगर होता है। कभी भी फोम का तकिया यूज़ ना करें। आजकल मार्केट में जो होता है ना वो खिलौनों जैसा, मैं दिखा रही हूँ, इस टाइप का तकिया आता है बच्चों के लिए, तो इस टाइप का तकिया बिल्कुल यूज़ ना करें। ये कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होता है। इसमें जो होता है वो जो फाइबर रुई जो होता है ना वो भरा जाता है, जो कि बच्चे के गर्दन को जाके नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसा तकिया बिल्कुल यूज़ ना करें। और भी बहुत सारे वैरायटी आते हैं बच्चों के पिल्लों को लेके, तो वो सभी पिल्लों में मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगी, वैसे आपकी मर्जी, लेकिन मेरा सजेशन और मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि बाहर का पिल्लों बिल्कुल यूज़ ना करें 6 महीने तक बच्चे को जो है सरसों का ही पिल्लो यूज करवाएं, और कुछ देर बाद ना उसका करवट चेंज करते रहें। सपोज घंटा 2 घंटा एक करवट में सो गया तो उसके बाद दूसरे करवट में सुला दें, फिर उधर के उधर पलट दें, तो इससे भी बच्चों को फ़र्क पड़ता है। चौथा पांचवा छठा जो भी है, बच्चों को पेट की तरफ सोना बहुत ही पसंद आता है, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। यदि बच्चे को पेट की तरफ सुला दें तो काफ़ी कंफर्टेबल भी फील करते हैं पेट की तरफ सोना, तो आप पेट की तरफ भी सुला के बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। बरसक आप वो देखें कि उसका नाक बंद ना हो, सांस ले रहा हो, या ये सब देखना है। यदि ये सब भी कुछ टाइम तक देखना है कि बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा है इस पोजीशन में, तो ये सब देखते हुए ही आपको ये सब प्रोसेस करना है, ना कि आप किसी के बोलने पे आप कोई भी कदम ना उठाएं, किसी के जो भी सजेशन दे रहा है उसको बिल्कुल ना माने। जब तक आप अपने बच्चे का कंफर्टेबल ना देखें तब तक कोई भी स्टेप ना फॉलो करें, ये आपसे हार्डली रिक्वेस्ट है मेरा। ये सारे तो सॉल्यूशन हो गए बच्चे के ये लंबा ना हो से, और मैं सबसे लास्ट सॉल्यूशन ये बताऊंगी कि एक टाइम ऐसा आता है कुछ जब बच्चे थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ आ जाता है, हिलना डुलना स्टार्ट करते हैं, क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे का जो सिर होता है अपने आप ही राइट पोजीशन पे आ जाता है। जो लंबा हुआ रहता है यदि सरसों का पिल्लो वगैरह दे तो भी वो जो बच्चे का स्कल जो होता है, ये सब खोपड़ी जो होता है, वो अपने आप ही राइट पोजीशन पे आ जाता है, क्योंकि जो बच्चे का जो स्कल होता है, खोपड़ी होता है, उसमें बहुत नाजुक होता है, और उसमें जो हड्डी होता है वो हड्डी नहीं होता है, उनकी हड्डी बहुत ही नाजुक होती है, तो इस वजह से वो जिस पोजीशन में रहते हैं बच्चे तो उस पोजीशन में घूमता जाता है। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे का जो मालिश होता है, आप नाक जो है उसको नाक को दबाइए तो बच्चे का नाक लंबा होगा, बच्चे के बम को उठाइए तो बच्चे का बम थोड़ा सा उठा हुआ आएगा, कान को सीधा करिए कान सीधा हो जाएगा, तो हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ऐसा। यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रही हूँ कि हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चे उस समय जिस पोजीशन पे आप बच्चे को करेंगे उस पोजीशन में, उस स्ट्रक्चर में आना स्टार्ट कर जाएगा बच्चा, तो इस वजह से बच्चे का उस समय कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है, अच्छे से मालिश करना पड़ता है ताकि उसका शेप स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहे। यदि आपने मेरा मालिश वाला वीडियो नहीं देखा है तो मालिश वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें सारा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे मालिश करते हैं छोटे बच्चे का, तो ये सारा नॉलेज है। और बच्चे का यदि स्कल बड़ा हो रहा है या फिर लंबा हो रहा है तो इसमें टेंशन मत लीजिए। जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर सारा कुछ ये मेजर करता है, वेट के साथ साथ सिर का स्ट्रक्चर भी मेजर करता है। यदि किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर आपसे जरूर शेयर करता है, जरूर बताता है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बच्चे का स्कल देखिए एक टाइम पे आते आते वो ठीक हो जाता है, बस जो मैंने बताया उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए थोड़ा सा,
और ससुर का पिल्लू जरूर लगाइए। बस लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि माता पिता अपना बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, बी सेफ। और जो कोरोना थर्ड वेव आ रहा है उससे तो बच के ही रहे, माता पिता जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लें ताकि आपका बच्चा जो है वो बच सके, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, तो फिर बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे मैं बस इतना ही, आपके आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी। धन्यवाद आपका मेरा वीडियो, आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।